हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। इंस्टीट्यूट तो इस बार फायर मोड पे है, मतलब सच में मैं कहूंगा कि इंस्टीट्यूट तो भैया पहले रिजल्ट इतना फास्ट अनाउंस कर रही है, ऊपर से इतना अग्रसर है कि फटाफट से न्यू सिलेबस भी लेकर आया जाए, तो बहुत सारी बातें चल रही है और इंस्टीट्यूट इतनी स्पीड में काम कर रही है कि मैंने सोचा नहीं था। इसी बीच बच्चों की क्वेरी आना चालू हो गई, सर देखिए अब तो रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया इंस्टीट्यूट ने कि बहुत जल्दी आप लोगों का सीए फाउंडेशन का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आने वाली एग्जाम जो मई 2023 की है वो तो होगी आप लोगों के ओल्ड सिलेबस में, लेकिन नवंबर का क्या? अभी भी नवंबर को लेकर डिलेमा है। कुछ लोगों का मानना है कि भैया एक अप्रूवल रह चुका है जो मिनिस्ट्री की तरफ से आना बाकी है, वो अप्रूवल आते से हम आप लोगों को सिलेबस रोल आउट कर देंगे, पर जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक हम ओल्ड सिलेबस में ही पढ़ेंगे। तो मेरे सब्जेक्ट को लेकर भी काफी दुविधाएं रही है बच्चों के मन में, तो आज मैं इस क्लैरिफिकेशन वीडियो के थ्रू बता देता हूं आप लोगों को फटाफट से कि क्या सिलेबस में ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है। तो भैया ध्यान से देखिएगा, इसको एंड तक देखना, इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं नवंबर के लिए, ऑल्दो कहा जा रहा है कि सिलेबस जो है हमारा न्यू आएगा, फिर भी आप इसमें बहुत पार्ट हमारा सीए फाउंडेशन का, इकोनॉमिक्स का कवर कर सकते हैं जो कि ओल्ड सिलेबस में ही मैच हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूंगा कि चेंजेस क्या है और आपको किस तरीके से पढ़ना है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि सर सिलेबस आने के बाद ही हम पढ़ना चालू करेंगे, नहीं, आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने तो ऑलरेडी हमारे से कोर्स बाय कर रखा है, अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं हमसे। तो मैं फटाफट से स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने क्या प्रपोज कर रखा है, उसमें से क्या क्या पार्ट आप लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों तक ये बात जरूर पहुंचाइए। तो बच्चा बाड़ी फटाफट से देख लेते हैं इस बार हमारे पिटारे में क्या है। दोस्तों इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस वैसे कह सकते हैं हमारे पास पहुंचा है, उसके अनुसार बेटा यहां पर कुछ टॉपिक जो है वो ऑल टुगेदर सेम है। आप जैसे जानते हैं बीसीके जा चुका है और सिमिलरली इंटरमीडिएट के अंदर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जा चुका है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वहां से जा चुका है और वो यहां पर इन्होंने डाल दिया और बीसीके ऑल टुगेदर ही उन्होंने सिलेबस से रिमूव करने के बारे में कह दिया। तो भैया पहला चैप्टर आपको रहेगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो अभी भी रहता है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रॉब्लम, ये तो भैया दोनों यूनिट हमको अभी भी है। वेटेज इस बार दे दिया 5 मार्क्स का, पिछली बार तक हम कहते थे कि भैया इक्वल वेटेज आएगा 6 से 7-8 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन इस बार इन्होंने कह दिया 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई काफी बड़ा चैप्टर है बेटा, एक्चुअली बड़ा चैप्टर है। आप थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई और यूटिलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे 10 मार्क्स इन्होंने वेटेज दे रखा है, विच इज गुड, सब्सटैंशियल वेटेज है, अच्छी बात है। फिर बेटा थियरी ऑफ प्रोडक्शन पहले भी चैप्टर नंबर 3 था, आज भी चैप्टर नंबर 3 है, वो कायम ही रहेगा। प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट अपना बेस्ट चैप्टर बेटा, वो ऐसा का ऐसा ही है। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को जो 6 नंबर पे दिख रहा है बिजनेस साइकिल, वो अभी भी है और रहेगा भी बेटा बिजनेस साइकिल। अब नया क्या ऐड हुआ है, अब नया जो पार्ट ऐड हुआ है वो आया सीए इंटरमीडिएट में से, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में से, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली हमें चैप्टर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, वहां से 15 मार्क्स का वेटेज दिया गया, ये मैक्रो स्टडी है। बेटा पब्लिक फाइनेंस भी वहीं से उठाकर लाए हैं और मनी मार्केट, वहां पर हम लोगों को एक और चैप्टर है, वो भी ये चैप्टर यहाँ पर ले आए उठा के। तो पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट वहां से उठा के ले आए। इंटरनेशनल ट्रेड, यस माय डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल ट्रेड भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से ही पिक करके लाए हैं। और एक इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है कि पहले क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था, अभी क्या स्ट्रक्चर होगा। एक बात जो मैं कहूंगा जो अच्छी है, इस बार इन्होंने वेटेज डिफाइन कर दिया कि कल करके बच्चा अगर पूछता है हमसे कि सर हमने ये चैप्टर छोड़ दिया, वैसे तो मैं रेकमेंड करता हूं कभी कोई चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए, पर बच्चा पूछता है अगर हमने कोई चैप्टर छोड़ दिया तो हमारा मैक्सिमम डैमेज कितना रहेगा। तो बच्चा पार्टी आप लोगों को यहाँ पर मैंने वो बता दिया है इंस्टीट्यूट के प्रिस्क्राइब वेटेज की मदद से, और भी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर अभी मुझे शॉर्ट में आपको ये बताना है कि अगर आप मई 23 या नवंबर 23 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों को मई 23 वालों को तो कोई टेंशन की बात नहीं, ओल्ड सिलेबस ही एप्लीकेबल है, पर नवंबर 23 वालों के लिए बेटा ये डिलेमा थी कि हम सिलेबस स्टार्ट करें या नहीं करें। तो आप बीसी के मत पढ़िए, आप बेसिकली इकोनॉमिक्स पर ही फोकस करिए। इसमें हमारा जो इकोनॉमिक्स में करंट एग्जिस्टिंग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 के 5 चैप्टर यहीं पर है, बस यहाँ पर आप लोगों को कुछ नए चैप्टर मिल जाएंगे। 4 चैप्टर उठकर आ रहे हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट में से और एक और चैप्टर इन्होंने ऐड किया, इस प्रकार से आपको 10 चैप्टर हो रहे हैं। मजा आएगा, सिलेबस बड़ा कर दिया, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। पहले बहुत एक लिमिटेड पोर्शन हमें पढ़ना पड़ता था, बहुत भूख रहती थी बच्चों के अंदर कि सर माइक्रो तो समझ लिया, मैक्रो का क्या करना है। तो अब भैया ये सारी चीजों का इन्होंने ख्याल रख लिया। 1 सेकेंड, यस। तो बच्चों अब आप लोग तैयारी कर सकते हैं अपनी शुरू, और बेटा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सिलेबस के अंदर कुछ एडिशन हुआ है, कुछ डिलीशन हुआ है, इंटरनली जो चीजें थी वो वैसी की वैसी है,
जो हमारे इनिशियल 5 चैप्टर है बेटा वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और ईएफएफ की मैं आपको सालों से तैयारी करवाते आया हूँ और आज भी तैयारी करवाऊंगा, और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट से जुड़ जाइए हम लोगों के साथ, और बच्चा ये सभी के साथ शेयर करें क्योंकि बच्चों के मन में है कि भैया अब सिलेबस चेंज होने वाला है, होगा नहीं होगा, कब होगा, मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ या नहीं, तो कर दीजिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप शेयरिंग दिस, थैंक यू सो मच।